आपका क्या रहा इस पर, आप क्या कहेंगे? धमकी का क्या है, हमें मोदी पे विश्वास है बस, हमें धमकी, वो धमकियाँ तो बहुत पहले भी जब बना था तब भी बहुत बना था, धमकियाँ तब भी बहुत आई थी। अच्छा। धमकियाँ जो हमारे लोकल मुसलमान रहते हैं उन्होंने भी बहुत दी थी जी जी, लेकिन इधर से सुनना चाहिए उधर से निकाल देना चाहिए। बाकी जो राम मंदिर उड़ाने की धमकी दी है आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या इसके लिए क्या होना चाहिए? बहुत सेफ्टी है वहाँ पे, तो कुछ नहीं कर नहीं पाएंगे। क्या रहा है आप ये लोग ऐसा क्या, ये चिल्लर पार्टी है, ये कुछ नहीं कर सकते। राम मंदिर सबके लिए है, एक है एकता और अखंडता का जो प्रतीक है, ऐसी बातें करना ही गलत है। समाज इस चीज़ों को नहीं उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो इस चीज़ की धमकी देते हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको सेफ्टी रखनी चाहिए। लोगों की ये भी कोई साइड में नहीं कुछ मिला होगा, यहाँ से हारे होंगे वो। नहीं नहीं, वहाँ से तो पूरे अयोध्या से हार गए तो। वैसे तो काफ़ी डेवलपमेंट की है, सड़कें अच्छी बनी है, सब कुछ अच्छा बन गया वहाँ। दुकानें बहुत अच्छी बनाई हैं उन्होंने, दुकानें शॉप दुकानें इतनी अच्छी बना दी हैं उन्होंने, मतलब कि अयोध्या वाकई लग रही है कि राम नगरी की अयोध्या बनाई है। तो ये नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं यहाँ पर आया हूँ, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि रेस्तरा है, पंजाब के अंदर ही जगह है। तो दोस्तों मैं लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर को उड़ाने की धमकी आई है, जो पाकिस्तान की तरफ बहुत सारे अटैक हो रहे हैं हमारे देश पर, हमारे देश के जवान भी शहीद हो गए। तो दोस्तों मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ इस पर लोगों की क्या राय, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं। आपका गुड नेम? भावना। भावना मैम ये बताएँ कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी आई है पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद जो ग्रुप है उनका, आतंकवादी ग्रुप, आपका क्या रहा इस पर, आप क्या कहेंगे? धमकी का क्या है, हमें मोदी पे विश्वास है बस, हमें धमकी, वो धमकियाँ तो बहुत पहले भी जब बना था तब भी बहुत बना था, धमकियाँ तब भी बहुत आई थी। अच्छा। धमकियाँ जो हमारे लोकल मुसलमान रहते हैं उन्होंने भी बहुत दी थी जी जी, लेकिन इधर से सुनना चाहिए उधर से निकाल देना चाहिए। बाकी ठीक है, अपनी अपनी जो प्रोटेक्शन है उसके लिए हमें वहाँ पे जो मिलिट्री वगैरह की हमें 24 घंटे बाद रखनी चाहिए। अच्छा मैम ये बताएं कि लोगों से मैंने बातचीत किया, लोग ये कह रहे हैं कि मोदी हैं तो हमको कोई डर नहीं है, लेकिन लोगों ने वोट तो दिया, यानी आप लोगों ने वोट तो दिया, यानी हार गए। वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि मोदी के पिछले दिनों कुछ काम भी अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अब तो आए, उन्होंने थर्ड दिया है बहुत सारे पैसे, लेकिन जिस टाइम करना चाहिए था उस टाइम उन्होंने ना इतना दिया, क्योंकि आपको पता कि किसानों ने स्ट्रगल भी कितना किया, बहुत किसानों को मिलना जो उनका जो जायज है। और आपको पता भी है कि हमारी जो ज्यादा आबादी है वो किसानों की है जो रहती गांव में है, लेकिन अगर गांव वाले खुश नहीं है, कृषि पर ही आधारित लाइफ। हाँ जी, और अगर गांव वाले खुश नहीं है तो आपको पता है कि कोई भी फिर नेता इतना चल नहीं सकता, अगर गांव वाले खुश हैं तो वो नेता आपको पता सदाबहार है। अच्छा ये बताएं कि थर्ड बार मोदी साहब प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ये है कि अब हमें पता है कि अब डिक्टेटरशिप तो चलेगी। अच्छा, वो नहीं चलेगी? चलेगी, वो कुछ कभी चलाएंगे अब। अच्छा अच्छा, अब चलेगी क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये हो गया कि मैंने राम मंदिर भी बनाया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, लेकिन जनता ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए जनता किसी की नहीं है, इसलिए जो हमारा मन है हम वही करेंगे। आपका गुड नेम? सतीश पल्ला। थोड़ा तेज बोल रहे हैं। सतीश पल्ला। सतीश पल्ला साहब ये बताएं कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी आई है, इस पर आपकी क्या राय है? सब कुछ वैसे ही है, बहुत बढ़िया होगा, इससे भी अच्छा होगा। क्या इससे अच्छा होगा जब उड़ाएंगे? नहीं 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 नहीं, और अच्छा बनेगा जी, राम मंदिर और अच्छा बनेगा, और अच्छा बनेगा। अच्छा, मैं तो देखने आया हूँ। अच्छा, दर्शन करने गए थे आप? दर्शन करने अभी हो गया हूँ, महीना हुआ है। अच्छा साहब ये बताएं कि कैसा आपको पूरा एरिया घूम के देखे, कह रहे हैं बहुत डेवलप हुआ, मैं तो अभी गया जा नहीं पाया। टॉप क्लास बना है, टॉप क्लास बना, टॉप क्लास। अच्छा, कारोबार बहुत बन मिल गया लोगों को। अच्छा ये बताएं, कारोबार मिल गया, बहुत सुंदर भी बन गया, इंटरनेशनल लेवल का एक मंदिर बहुत बड़ा बना, लेकिन बीजेपी फिर भी वहाँ से हार गई, क्या कारण हो सकता है? ये देखो कोई कारण नहीं है, ये कोई भी वोट जिसको मर्जी हक है उसका डाल। भाई ये तो बात है, लेकिन पूरे देश में इस बात की जोरों से चर्चा है, थोड़ी सी होगी कि लोगों की ये भी कोई साइड में नहीं कुछ मिला होगा, यहाँ से हारे होंगे वो। नहीं नहीं, वहाँ से तो पूरे अयोध्या से हार गए तो। वैसे तो काफ़ी डेवलपमेंट की है, सड़कें अच्छी बनी है, सब कुछ अच्छा बन गया वहाँ। दुकानें बहुत अच्छी बनाई हैं उन्होंने, दुकानें शॉप दुकानें इतनी अच्छी बना दी हैं उन्होंने, मतलब कि अयोध्या वाकई लग रही है कि राम नगरी की अयोध्या बनाई है। तो ये बताइए कि आप कह रही हैं अयोध्या राम नगरी की अयोध्या बन रही है, लेकिन वहाँ पर बीजेपी एकदम हार गई है। मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली में देखो आप, मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में बीजेपी बिल्कुल हारी क्यों नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का है ही नहीं बिल्कुल कुछ, और बीजेपी में बिल्कुल मतलब बीजेपी ही है दिल्ली में। अयोध्या भी बनी है, अब उन्होंने
ये बताएं कि थर्ड बार मोदी साहब प्रधानमंत्री बन गए, क्या क्या उम्मीदें आपको हैं कि अब की बार, जो कि पूर्ण बहुमत तो नहीं पाए अभी बार, पहले से अभी से तो 200 कुछ तक वोट हुए हैं, लेकिन हम सबको, दिल्ली वालों को सबको लग रहा था कि मोदी जी 400 पार करेंगे, लेकिन कांग्रेस वाले थोड़ा सा उतर गए हैं ना इस बार। और या पंजाब में भी आप देखिए कि कांग्रेस का ही जोर है, बीजेपी का बिल्कुल जोर है, वो कुछ पाई, एक सीट भी नहीं मिला, एक भी सीट नहीं मिली, दिल्ली तो पूरा ले गए, दिल्ली पूरी सीट ले गए हैं, ठीक है। और दिल्ली में तो है ही बीजेपी का ही है, और बाकी में दिल्ली में भी मैं दे रहती हूँ, मैं दिल्ली में हर चीज़ का डेवलपमेंट है, क्या नहीं है, सब कुछ है दिल्ली में। अच्छा ये बताएं कि दिल्ली के अंदर जो लोकसभा की सीट होती है एमपी की, वो तो लोग पूरी की पूरी दे देते हैं, लेकिन जब आती है मुख्यमंत्री का विधानसभा वाली सीट में, एक सीट बीजेपी नहीं पाती, इसका क्या कारण है, क्यों आप लोग ऐसा करते हैं, क्या केजरीवाल साहब पर ज़्यादा आप लोगों को विश्वास है? अब दिल्ली में केजरीवाल जी ने बिजली वो कर रखी है उन्होंने, दिल्ली में काम नहीं है, दिल्ली में तो बिल्कुल भी बिजली जाती भी नहीं है, बिल्कुल नहीं जाती, जाती नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं जाती, मैं दिल्ली रहकर आई, बिल्कुल रहती है बिजली, रहती ही रहती है वहाँ पे। बट अब केजरीवाल का जहाँ लोगों को फ्री में मिलेगा, लोगों को लगेगा ही लगेगा कि उनको वोट देना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि जैसे गरीब तबके के जो लोग हैं उनको बिजली और पानी फ्री मिल रहा, क्या यही वजह है कि जो कभी हारते नहीं है? फिर भी आप वहाँ एक पढ़ी लिखी आप लड़की नहीं, वो क्या नाम है, लोग जो गरीब होते हैं, जब लोगों को वोटों के लिए लालच दिया जाता है तो लोग वहीं भागते हैं कि हमारे गांव में इतने पैसे आएंगे, हमारे में ये होगा वो होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि पैसे के लालच में लोगों से वोट खरीद लेते हैं लोग? खरीद लेते हैं, क्यों नहीं खरीदे जाते? अच्छा खरीदे जा सकते हैं, पर हम कैसे लोगों को लगता है, नहीं मोदी जी तो दिल्ली में है, मोदी जी का है। और मैं कहती हूँ कि मोदी जी वाकई बहुत अच्छा काम किया है, हम बनारस भी होकर आए, अयोध्या भी घूम कर आए हैं, बनारस में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, अयोध्या में काम किया है, कहीं भी चले, और आप कश्मीर देख लीजिए, कश्मीर में उन्होंने 370 बहुत अच्छा काम किया है, कश्मीर वाले लोग बहुत खुश हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि अब इस बार जो प्रधानमंत्री थर्ड बार बन चुके हैं, और क्या क्या उम्मीदें यहाँ पर कर रही हैं? बार तो उनके पास पूरी बहुमत तो है नहीं, इस बार तो पूरी बहुमत है नहीं उनके पास, नहीं है कि नहीं है, तो हाँ 240 तो है, वो तो दूसरे बैसाखी के सारे चल रही गाड़ी दूसरे की, बस भैया अब मैं बोलना चाहता हूँ आपकी, एक थोड़ा तेज बोलिए, पंजाब के लिए मैं बोलना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इनको, मोदी साहब को, ये जो मिनिस्टर है, रोड मिनिस्टर वाले हैं, जो जितने भी ऊपर सेंटर, ये बिट्टू जी गए हैं हमारे यहाँ से, पंजाब के रेलवे मिनिस्टर बनाए गए हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी सड़कों का बहुत बुरा हाल है, लुधियाना हमारा चंडीगढ़ रोड में इतना बुरा हाल है, आगे चले जाओ पामिया रोड, चंडीगढ़ रोड के अंदर जा रहे चले जाओ, आज 10 साल हो गए हैं सड़कें ही नहीं बनी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बिट्टू साहब का इंटरव्यू लिया था, तो मैंने उनसे बात किया था लुधियाना के डेवलपमेंट के लिए, वो कहे थे कि अगर हम जीत के आते हैं तो मैं लुधियाना के लिए बहुत कुछ करूंगा, क्योंकि हमसे मोदी से प्रॉमिस था, चलिए हार गए 20,000 तो हार गए, लेकिन वो मिनिस्टर तो बन गए, उन्होंने प्रॉमिस किया बना दिया, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा बिट्टू जी से, बेनती है मेरी उनको भी, हमारे ये चंडीगढ़ रोड अंदर जो 25 सेक्टर के अंदर की रोडें हैं, पामिया रोड है, जीके स्टेट है, वहाँ सड़क नहीं आज तक बनी, 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं वहाँ सड़क नहीं कोई बनाता, जितने मिनिस्टर जीत के जाते हैं या जितने भी हैं यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं किया सड़कों का, आके किसी के पास जाते हैं, एमएलए के पास जाते हैं या किसी के पास जाओ, वो कहता है जी मेरे पास फंड नहीं आया जी, यही कहते हैं हम। तो आपको लग रहा है कि इस समय बिट्टू साहब केंद्र में पहुँच चुके हैं, केंद्र में मोदी की सरकार है, तो आपको लग रहा है कि अब तो उनको फंड मिलना चाहिए ना? नहीं नहीं करेंगे, वो बिट्टू करेगा जरूर। अच्छा। करेंगे इतनी नहीं, वो नहीं करेंगे, बाकी उनके पीछे भी लिंक है सबसे उनका। अच्छा साहब ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि जो किसान हैं काफ़ी नाराज भी चल रहे हैं, क्योंकि उनकी मांगे हैं, किसानों के साथ हम भी हैं क्योंकि हमारे देश के किसान हैं और उनका हम सपोर्ट करते हैं, क्या लग रहा है कि किसानों की मांग अब पूरी हो सकती है मोदी जी? जरूर करेंगे, जो ऐसी बात जो जो उचित है होगी, जरूर होगी, करेंगे जरूर, सोचेंगे इसके बारे में, ये बात नहीं, अभी बैठे हैं करेंगे इसके। अच्छा आपको लग रहा है कि जो इनकी तीसरी बार सरकार बनी है, इनकी बहुमत कम है, तो क्या आपको लग रहा है कि अब बड़े बड़े फैसले लेने में इनको दिक्कत आएगी? नहीं 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 नहीं
ये चलेगी सरकार, 5 साल चलेगी पूरे, ऐसे की बात। तो आपको क्लियर है कि 5 साल चलेगी? हाँ चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू साहब। आपका गुड नाम? मेरा नाम रॉबिन है जी। रोबिन साहब ये बताएं कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी आई है जैसे मोहम्मद जो आतंकवादी ग्रुप है पाकिस्तान में जो है सक्रिय, क्या रहा है आप ये लोग ऐसा क्या? ये चिल्लर पार्टी हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। राम मंदिर सबके लिए है, एक है एकता और अखंडता का जो प्रतीक है। ऐसी बातें करना ही गलत है, समाज में ऐसी हरकतें करने वालों का पहले भी बायकॉट हुआ है, अभी भी होगा, और इन लोगों की कोई ज़्यादा वो नहीं है, तवज्जो नहीं देनी चाहिए इनकी बातों को। ये हवा हवाई के झोंके हैं, ये ऐसे निकल जाएंगे, आते हैं जाते हैं बस। साहब ये जब से उन्होंने धमकी दिया है तब से अयोध्या में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, इस पर आपकी क्या राय है? सिक्योरिटी बढ़ाना एक राइट है, बढ़ानी भी चाहिए, वो हमेशा के लिए बढ़ानी चाहिए। ये नहीं कि कोई धमकी है तब आप बढ़ाओ, क्योंकि वो पब्लिक सेफ्टी के लिए हमेशा ही सिक्योरिटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। अब अगर ओवर टाइट किया बहुत अच्छी बात है। साहब ये बताएं जैसे दरबार साहिब हो गया, राम मंदिर हो गया, और ऐसी बहुत सारे हमारे जगह देश में हैं जो खास खास धार्मिक स्थान हैं, इन स्थानों को ये आतंकवादी लोग टारगेट बना करते हैं, तो इनके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, कैसी सिक्योरिटी होना चाहिए जो हमेशा के लिए सिक्योरिटी कर दिया जाए जिससे कि ऐसा कोई नौबत आए ही ना कि हमारे देश के जितने पवित्र स्थान हैं? देखो बात ऐसी है कि हमारी अगर आप डिफेंस फोर्स लगाई जाए, एक आतंकवाद डिफेंस फोर्स के आगे कुछ भी नहीं है। अगर हमारी डिफेंस फोर्स तकड़ी है ना तो इनकी बातों का कोई रोल ही नहीं। डिफेंस फोर्स तो हब बनाया जा रहा है अयोध्या में, तो अलाउ कर दिया। अच्छी बात है, जो हो रहा है डिफेंस को लेके चाहे सिक्योरिटी को लेके प्रेफरेंस देनी चाहिए जितने भी धार्मिक स्थल है। और दूसरी बात है कि धार्मिक स्थल पे जो स्थान है उस पर सिर्फ धर्म की बात होती है, कोई नेगेटिव बात तो होती नहीं है, तो उसको टारगेट कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। तो अच्छा ये बताएं कि आगे अब प्रधानमंत्री थर्ड बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, क्या उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा हलचल हो गई? जम्मू कश्मीर में भी 4 अटैक हो चुका। देखो जिनकी जो किस्मत है वो तो कोई खो नहीं सकता, अपना राहुल जी ने भी चुनाव लड़ा, मोदी जी ने भी लड़ा, बहुमत इनको मिल गई तो इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री थर्ड बार बने हैं तो वहाँ पर अटैक बहुत ज़्यादा हो गया, हमारे जवान भी 1-2 शहीद हो गए। देखो ऐसा है कि ये चीज़ें पहले भी चलती रही हैं, पॉलिटिकल एजेंडा तो रहा है इनका, ठीक है, किसी बिहार पे कोई दूसरी पार्टी या इधर वाली पार्टी कुछ ना कुछ करती रहती है। अब उस पर वो तो सेफ्टी का इशू, उस पर तो वो जो टीम है वही देख सकती है जो तहकीकात करेगी इस पर। अच्छा साहब ये बताएं कि हमारे देश में ये जो आतंकवादी लोग हैं आए दिन को इनको घटना घटा दे रहे हैं, आए दिन को इनको, या जो कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं, धर्म की इसमें तो बात होनी नहीं चाहिए। अगर किसी ने किसी चीज़ को टारगेट करके किया है, देखो बोलने से बहुत कुछ ऐसे नहीं कि कुछ हो जाता है, हम उसको बोले किसी धर्म, उसका नाम अगर मुस्लिम है या हिंदू है या कोई सिख है, उसका मतलब ये नहीं कि पूरे धर्म पे टारगेट हो जाता है। इसको हम किसी धार्मिक चीज़ से ना जोड़ के ये ना सोचे कि उसने सिर्फ हिंदू स्थल पे टारगेट किए या कुछ है, तो ये इस चीज़ों को नहीं उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो इस चीज़ की धमकी देते हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको सेफ्टी रखनी चाहिए। अच्छा साहब ये बताएं तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी साहब बने हैं, क्या आपको लग रहा है, क्या क्या उम्मीदें आप लगा रखे हैं इनसे कि कुछ अब की बार? सर देखो अगर तो बीजेपी सरकार की अगर बात करूँ, ओवरऑल आप नेशनल हाईवे जब से मैं देख रहा हूँ, मैं काफ़ी स्टेशन गया हूँ और मैंने अभी देख रहा हूँ सभी जगह, अभी मनाली तरफ लगा लो या कश्मीर की तरफ लगा लो या अभी आप मैकलोडगंज मैं अभी गया हूँ रिसेंटली, तो उधर सभी पे सर टनल्स वगैरह बन रही है, हाईवे बन रहे हैं। उस हिसाब से हम ये मानेंगे कि इनकी सरकार में कुछ जो है पॉजिटिव है। अब आप देखो ऑनलाइन पेमेंटें, ठीक है, अब ये चलन पहले नहीं था, ठीक है, अब आप डिजिटल नहीं था, पहले डिजिटल नहीं था, ये सब चीज़ें जो है अब जियो आप नेटवर्क लगा लो, लोगों ने वाईफाई हर बंदे के आज हाथ में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब उस चीज़ों की जो प्रेफरेंस है वो कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है। अब बोलो भी अभी गली गली को आगे सेट कर देगी वो तो हो नहीं सकता, मैं जल्दी नहीं हो पाएगा, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा सर ये बताएं कि पंजाब के अंदर किसानों का थोड़ा सा स्ट्राइक चल रहा है जी, किसानों को उन्होंने अभी भी काफ़ी उन्होंने दिया भी है, कुछ अलाउड हो चुका है जो उनका जो भी किस्त जाती है पैसे जो उनको मिलना था, इस पर आपकी क्या राय, क्या आप हट जाएंगे किसान? सर देखो जो तो किसानों का मसला है वो तो सबसे पहले आधार पे उनको माननी चाहिए चीज़ें, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ठीक है, उनको चाहिए जी, वो गवर्नमेंट को कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे मोदी गवर्नमेंट है कोई भी आ जाए चाहिए, हमारे किसानों को चाहिए। पर वो देखो किसान की जो है ना वो उन चीज़ों की डिमांड जो उनकी जायज़ है वो तो माननी चाहिए। आपका गुड नेम?
तरसेम जी, तरसेम साहब ये बताएं कि पाकिस्तान राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दे रहा, आए दिन रोज वहाँ के जो आतंकवादी है आए दिन कोई न कोई घटना यहाँ पर घटा रहे हैं, इधर ज़्यादा ही कुछ तेज कर दिया उन्होंने, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या राय आपकी है? कोई कारण नहीं है, सब पॉलिटिकल मसला, वही सारा कुछ कर रहा है। ये बताइए कि जो ये बताइए जो धार्मिक यात्रा करने वाले लोग हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, अब इस समय अमरनाथ का भी चालू हो रहा है यात्रा, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, तो क्या आपको पॉलिटिकल इसका दिख रहा है? हाँ बिल्कुल पॉलिटिकल है, बिल्कुल पॉलिटिकल। क्या पॉलिटिकल स्टैंड दिख रहा है आपको? ये जो नेता लोग हैं ना ये सारा कुछ करवा रहे हैं और आम लोगों के लिए नहीं, नेता धार्मिक लोगों को मरवा देंगे, आप इसको आपको विश्वास है? धार्मिक लोगों को मरवाने के लिए नहीं है, ये अपना वो अपने आप को ऊंचा करने के लिए कर रहे हैं। नहीं कौन सा नेता करने का आपके नज़र में कौन ये सा? एक जैसे ही है सब, चाहे किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, सब नेता एक जैसे होते हैं। अच्छा तो आपका मतलब है कि नेता ही करवा रहे हैं। सर आपका गुड नेम? निशांत। निशांत साहब क्या करते हैं, कोई जॉब करते हैं? बिजनेस करता हूं। साहब ये बताया कि पाकिस्तान ने धमकी दिया है कि राम मंदिर उड़ा देंगे, वहाँ के आतंकवादियों ने धमकी दिया है जैसे मोहम्मद ने, क्या राय है आपकी? ऐसे आए दिन ऐसे हो रहे हैं, आए दिन यही ये होता ही रहता, पाकिस्तानी डिस्टर्ब होती रहती है, क्या करें अब। अच्छा ये बताएं कि इन लोगों ने राम मंदिर को जो उड़ाने की धमकी दिया है इसके पीछे क्या लॉजिक है कि राम मंदिर कभी उड़ा देंगे, कभी दरबार साहब को धमकाएंगे, कभी किसी को धमकाएंगे, इसका क्या मतलब? ये ना बोलते रहते हैं कुछ नहीं उड़ेगा, ये बोलते रहते हैं पाकिस्तान वाले, जब आएंगे ना हम उनको बता देंगे। अच्छा सर ये बताएं कि अयोध्या में एक चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है, अभी मैं तो नहीं जा पाया हूँ, बहुत सारे मीडिया वाले पहुँच चुके हैं, कि जिस अयोध्या को बनाने के लिए मोदी साहब ने योगी जी ने पूरा जोर लगा दिया, अयोध्या को चेंज भी कर दिया, अयोध्या से ही हार गए, इस पर क्या कारण हो सकता है आपकी नज़र में, क्या चीज़ है? ये कारण ये है जो मोदी जी हारे हैं ना उस पार्टी में, वो कोई लाइक नहीं करता ना मैसेज वैसे उधर, जैसे लोगों की ज़मीनें गई हैं उधर कुछ गया है सब कर गए। तो ये जो ज़मीनें गई हैं तो मोदी जी ने बनाकर दी हैं? नहीं जब ज़मीन लिए है उसका पैसा दिया गया? नहीं दिया, प्रॉपर पैसा नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दावित्र गोंदी है। तो पढ़ते हो? मैं हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में पढ़ते हो। अच्छा ये बताओ कि आतंकवादियों ने धमकी दिया राम मंदिर उड़ा दूंगा, इस पर आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? अब की बार 400 बार। अब की बार तो इलेक्शन तो निकल गया, लेकिन दोबारा होंगे तब, तब जब दोबारा इलेक्शन होगा फिर 400 पार होगा, वो तो 5 ईयर बाद होगा ना, देखेंगे। अच्छा ये बताओ कि जो राम मंदिर उड़ाने की धमकी दिए हैं आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या इसके लिए क्या होना चाहिए? राम मंदिर देखने में आए बताओ उनको। बहुत सेफ्टी है वहाँ पे, तो कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको लग रहा है? तो वहाँ सेफ्टी है, कैसा पूरा राम मंदिर या पूरा एरिया घूम के आए हैं आप? हाँ। कैसा विकास हुआ वहाँ का? हाँ, विकास हुआ। तो वहाँ के लोग वोट तो दिए ने बीजेपी हार के? हाँ, पर वो समाजवादी पार्टी जीती है ना वहाँ। समाजवादी जी गए, उन्होंने गोलियाँ चलवाई वो जीत गए, आज वो सब कुछ किया वो हार गए, ऐसा क्यों, क्या आपको नज़र में आया वहाँ पर? वो कास्ट के ऊपर देख के जीते हैं। अच्छा अपनी जात बिरादरी पर? नहीं पता, आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि वो कुछ पहले कर सके, जब बन रहा था तब नहीं कुछ कर सके, तो बनने के बाद क्या कर लेंगे? नहीं वो तो कह तो रहे हैं कि मैं उड़ा दूंगा, उनमें हिम्मत है इंडिया के उड़वाने की भाई, अब तो कह तो रहे हैं, इस पर आप अपनी राय बताएं। तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि वो इंडिया के उड़वा दे, क्योंकि अपनी आर्मी भी बहुत ज़्यादा जो उन्हें मारेगी। अच्छा ये बताओ आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारी आर्मी इतनी मजबूत है, तो ये कॉन्फिडेंस आप किस पर यूज कर रहे हैं, किस पर आपको इतना कॉन्फिडेंस हो गया जो को लग रहा है कि ये नहीं कर पाएंगे? मतलब कौन सी पार्टी, मतलब किस प्रधान, मोदी के ऊपर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है? मोदी की तरफ से ही हमें मंदिर बनने का मौका मिला, मोदी ने सब कुछ किया है, तो मोदी की जय हो। मोदी को जय हो। तो मोदी जी से और क्या क्या उम्मीदें रख रहे हैं आप? मोदी ने राम मंदिर बनवाया, अब बस ये उम्मीद है कि डिक्टेटरशिप ना चिल्लाए वो अपनी। नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आगे भी तो काम करना है ना। अच्छी बात है, फिर अगर ना चिल्लाए तो बहुत अच्छी बात है। आपका गुड नेम? रिया। रिया मैम क्या पढ़ती हैं या कोई जॉब वगैरह कर रही हैं? नहीं मैं अभी हाउसवाइफ हूँ। अच्छा हाउसवाइफ है। मैडम ये बताइए कि अयोध्या में राम मंदिर जो बना है आतंकवादियों ने उड़ाने की धमकी दिया है, इस बात की बड़ी जोर शोर से चर्चा भी चल रही है, उसकी सेफ्टी भी बढ़ा दी गई है, क्या राय है आपकी, एक पढ़ी लिखी लड़की हमारे देश में? गलत है, बिल्कुल गलत है, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए हम सबको इकट्ठा होकर।
अच्छा ये बता, आप गई थी कि नहीं कभी अयोध्या? अभी फिलहाल अभी नहीं, अभी मैं नहीं गई अयोध्या। अभी नहीं गई, आगे जाने का प्लानिंग है? बहुत मन है जाने का तो, पर ये सब देख के तो डर ही लगता है। ये प्रोग्राम मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने लोगों से बात किया है और लोगों ने अपनी अपनी राय रखा राम मंदिर का जो धमकी आई उड़ाने के लिए। तो दोस्तों हमको इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।